गाइस, ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर थिएटर पर रिलीज होने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज का डेट है 7 अगस्त, सॉरी 7 नवंबर 2022। और आज से लगभग 4 दिन के बाद ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर थिएटर पर रिलीज होने वाला है। फर्स्ट शो का टिकट मुझे नहीं मिलेगा बिकॉज ब्लैक पैंथर का बहुत ज़्यादा हाइप है एंड एवरीबडी वांट्स टू नो कि चल्ला के डेथ को किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा मूवी में। और मैं एक फैन हूँ तो मेरे पास एक फ्रेंड हुई है और मैं इस वीडियो में आपको अपना फ्रेंड हुई प्रेजेंट करूँगा। तो गाइस देखो, मैं ये मूवी को बिल्कुल भी स्पॉइल होना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अभी तक दोनों ट्रेलर में से कोई भी एक ट्रेलर नहीं देखा है। मैंने कुछ पिक्स जरूर देखी है मगर मैंने कोई भी ट्रेलर नहीं देखा। और पिक्चर में मुझे मालूम पड़ा, पिक्चर में मैंने देखा है नेमर को और फीमेल ब्लैक पैंथर के कॉन्सेप्ट आर्ट को, तो इससे हम ये बता सकते हैं कि नेक्स्ट ब्लैक पैंथर जो है वो एक फीमेल होने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली सुई होने वाली है, सुई की मम्मी भी हो सकती है। यू कैंट से डैट, यू कैंट, जब तक मूवी ना देखे तब तक हम कंफर्म नहीं हो सकते। एंड एंड मैंने पोस्टर देखा था चैडविक बोसमैन के, जो कि ये एक्नॉलेज करता है कि ब्लैक पैंथर नहीं रहे। तो अब ब्लैक पैंथर का थ्रोन खाली पड़ा है और अलग अलग सिविलाइजेशन के लोग ब्लैक पैंथर वकांडा को टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि यूएस आर्मी और अटलांटियन और भी ऐसे सिविलाइजेशन वाकांडा को टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे जस्ट बिकॉज उनका किंग नहीं रहा। तो ऐसे में वाकांडा के लोग पूरी कोशिश करेंगे वाकांडा को प्रोटेक्ट करने की, और वाकांडा डूब रहा होगा हर तरफ से, टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट से भी और फिनेंशियल एक्सपेक्ट से भी। फिनेंशियल के पास कोई करेंसी भी है क्या? वकांडा का कोई करेंसी होता है क्या? तो ये देश बिना किंग की स्ट्रगल कर रहा होगा और इसको टेक ओवर करने की बहुत कोशिश की जाएगी मूवी में। और या तो सुई या फिर सुई की माँ ब्लैक पैंथर का ढूंढ लेगी, बिकॉज ब्लैक पैंथर का कोई है नहीं है, टीचल्ला का कोई है नहीं है, तो वाकांडा मुसीबत पे है। वाकांडा को टेक ओवर करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में वाकांडियंस पूरी कोशिश करेंगे वाकांडा को बचाने की। वाकांडा टोटली डूबने की, ख़त्म होने की राह में होगी कि अचानक से उनका ब्लैक पैंथर कोई बन जाएगा, वापस तो नहीं आ सकते बिकॉज रिप चैडविक बोसमैन। ऐसे में वकांडा को बचाने के लिए सुई को या सुई की माँ को ढूंढ लेना पड़ेगा। और इस मूवी में हमें बिल्कुल एक्नोलेज करके दिया जाएगा कि ब्लैक पैंथर की डेथ कैसे हुई। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे जितना सही लगता है और जितना मुझे प्रोबेबिलिटी लगती है, टी चल्ला की डेथ उसी तरीके से हुई जैसे कि चैडविक बोसमैन की कैंसर की वजह से। इस मूवी में आपको ये मैसेज दिया जाएगा कि जितने भी हाई टेक्नोलॉजिकल एडवांस सिविलाइजेशन ही क्यों ना हो, कैंसर का इलाज, कैंसर का क्योर किसी के पास नहीं। और ये एक सैड रियलिटी है कि कैंसर किसी को भी हो सकता है, एक वॉरियर को भी, एक आर्मी मैन को भी और एक किंग ऑफ वकांडा को भी, किसी को भी कैंसर हो सकता है एंड लाइफ भी जा सकती है। तो ये एक अवेयरनेस फैलाएगी मूवी में कि हमको बिल्कुल प्रिकॉशन लेना चाहिए, हम वी शुड नॉट स्मोक, वी शुड नॉट ड्रिंक अल्कोहल एंड ऑल दैट थिंग्स एंड दैट्स इट। ये मूवी में बस यही दिखाया जाएगा, हमको बेसिकली पूरा वकांडा स्ट्रगल करते हुए दिखाया जाएगा और एंड में कोई ब्लैक पैंथर बन जाएगा एंड वी विल से वकांडा फॉरएवर। बाय द वे, एमसीयू की मूवीज में यही चीज लैक कर रहा था, लैक ऑफ स्टोरी, लैक ऑफ क्या बोल सकते हैं, सीरियसनेस। एमसीयू के ज्यादातर मूवीज
अभी फेज 4 में जितने भी मूवीज आई है इन पे जबरदस्ती ह्यूमर फोर्स किया जा रहा है, जो कि एक इस मूवीज के क्वालिटी को बिगाड़ देती है। हमें ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में एक सही स्टोन देखने को मिलेगा, एंड आई एम वेरी प्रीटी मच एक्साइटेड फॉर इट। सो गाइस, डोंट स्पॉइल द मूवी एंड एंजॉय वकांडा फॉरएवर।